अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको हमारी और हमारी फैमिली की तरफ से ढेर सारी ईद की मुबारकबाद। आप लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद डे टू का भाई का जो ग्रैम है ना, वो ऐसे ग्रैम मतलब गेट रेडी विद मी, वो है ऐसे ब्लैक शलवार की, मतलब हर दफ़ा नहीं करते लेकिन इस दफ़ा हमने ज़रा प्लेन ब्लैक कुर्ता चूज़ किया, क्योंकि हमें दिलाया था हमारी बेगम ने। क्योंकि हमारी जो ईद की एक्साइटमेंट है ना, जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाती है वैसे वैसे आपको कुछ लेने का दिल नहीं करता। तो हमारी बेगम ने हमें बोला कि नहीं, चलते हैं और लेके आते हैं। तो इंस्टेड ऑफ तीन, ईद के तीन दिन होते हैं, इन्होंने हमें चार दिलाए। क्यों दिलाए थे आपने हमें चार? वैसे मैंने बोला हम कराची जा रहे हैं, दावत शावत होगी तो उस पर भी पहन लो। लफ्जों पे गौर किया करें, कराची। गाइस, दूसरे शहर में जब आप शादी करते हैं तो आपका एक पैर इधर होता है, एक पैर उधर होता है। वैसे ही हमारी ये जो ईद का, हमको 5 महीने बाद जा रहे हैं कराची। दिसंबर मतलब वही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने बाद। तो देखे, एक पैर हमारे यहाँ एक पैर वहाँ है। ईद का जो पहला दिन है वो हमने घर पे गुजारा, एंड हमारे बहुत कुछ ज़्यादा रिलेटिव यहाँ पे है नहीं तो घर पे गुजारा। बस रात को हम खाने के लिए बाहर गए। ईद ही बड़ी मोटी मिली भाई। ज़ाहिर देने वाले भी दो, एक हमारी अम्मा एक हमारे अब्बा, और कोई यहाँ पे है नहीं हमें देने वाला। आज हम जा रहे हैं कराची एज यूजल। एक हमारा पे जो पैर है वो यहाँ पे, एक हमारा पैर उधर है। तो आज हमारा पैर उधर जाने वाला है, लेकिन हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ कोई जा रहा है जो हमारे साथ पहले कभी नहीं गया, जो हमारे साथ टेक्निकली कराची कभी नहीं गया, एंड फन नहीं किया, एंड कराची एक्सप्लोर नहीं किया। तो इस दफा हमारी ईद ट्रिप का जो मिशन है वो क्या है, बताएं क्या है? हमना को एक्सप्लोरिंग कराना। हमना जो है वो हमारे साथ कभी भी कराची नहीं गई, वो वैसे अम्मा के साथ जाती रहती है। जब भी जाती है तो खाला के घर रहती है, मामू के घर रहती है। तो इस दफा हमने सोचा कि भाई हमारे साथ रहेगी, चिल करेगी हमारे साथ। इस वक्त जो मोटो है वो जरा मोटो रखते हैं, मेकिंग हमना एक्सप्लोर कराची। थंबनेल डालेंगे, नहीं कैप्शन डालेंगे, इसी तरह का कुछ करेंगे। तो इस दफा का तो मिशन सेट हो गया, हमने निकलना है एयरपोर्ट के लिए इन 10 मिनट। हमने सोचा इंट्रो देते हैं कि हो क्या रहा है, और ये ना हम कैमरा सेट करके जा रहे हैं, ये हो नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे कमरे में ना ब्रूनस होता है, तो गर्मी बहुत ज्यादा है यार बाहर, मतलब टेरेस पे आप कितनी देर छोड़ेंगे, इतनी ज्यादा गर्मी, और ऊपर से वो इतना लूसी हो गया। सो वो बहुत ही फ्रेजाइल डॉगी है। तो अम्मा को मैंने बोला, मैं कहा अम्मा थोड़ा सा रहम करना, उसको अंदर छोड़ देना पंखा वंखा लगा के। अम्मा छोड़ती है बिल्कुल रात को। तो मैंने कहा कैमरा लगा के जाते हैं, अम्मा को बोलेंगे अम्मा छोड़ा नहीं आपने, अकाउंटेबिलिटी हो। अच्छा गाइस, फुल लुक आपको दिखाते हैं। फुल लुक है ये, और पीछे जो चीनी भी नहीं आपको सुनाई दे रही ना, वो पेयरिंग की है। तो ये है भाई बिल्कुल प्लेन ब्लैक शलवार कमीज, ये जे डॉट से हमने लिया था, जे डॉट की एक्सप्रेशन आई थिंक वो सीरीज वीरीज से। तो ये है, एंड बड़ा ही सिंपल बड़ा ही प्लेन है ये, आप देख सकते हैं। चले ऊपर से ना नीचे मैं पैन करूँगा, ये टॉप टू बॉटम, एंड ये नीचे हमारे जूते हैं, ये हमारे जूते हैं मैसिमो जूती। ये है जे डॉट, ये है जे डॉट, ये है जाफर चीज, ये है आईफोन। और आज हम परफ्यूम कौन सा लगाएंगे? थोपा हुआ है ऑलरेडी, पूरे कमरे में स्मेल आ रही है। तो दोबारा बताऊंगा ना गाइज, हम ना देखे अंदर से तो मिडिल क्लास है, ठीक है, अंदर से जो हमारा मिडिल क्लास पन है ना वो कहीं ना कहीं छलकता है। तो ये हमारे पास है, ये बहुत महंगा परफ्यूम है, जो कि नॉर्मल दिनों में ना लगाने में का मेरा जमीर नहीं मानता, आज इसको लगाते हैं। और अगर ये मैं आपको बताऊं ना तो कसम से यार ये काम पे टांग जाए। और ये मैंने खुद नहीं लिया था, मेरा जमीर नहीं मानता, ये हमें हमारी बेगम ने ला के दिया था, गिफ्ट किया था। और उसके बाद जो हमने किया था ना, हम रोना शुरू हो गए थे कि यार ये क्यों ला के दिया हमें, आज ये लगाते हैं। जो ऊपर से ये नॉर्मल वाला भी नहीं है, वो क्रीड एवेंटस एब्सोलू है, कोई एक्सक्लूसिव कनेक्शन है जो नहीं आई थी। एक फुसफुस भी बड़ा महंगा है यार, तो हम नॉर्मल दिन में नहीं लगाते। ये फुल का फुल पड़ा रहेगा, ये 5 साल हम 10 साल यूज करेंगे, बाकी जो है वो हम रूटीन में लगाते हैं। तो जो ये आई थिंक सबसे महंगा ही है, इसको ऐसे में चुप कर। ओके ब्रो, बाद में लगाएंगे तुम्हें। नहीं, सिर्फ ईद के ईद लगाऊंगा इसको। कर तो लिया था मेकअप, और कितना करना है? मेकअप नहीं करी भी, वो सेटिंग पाउडर लगा रही हूं, उससे क्या होता है? गाइस, हमारा जो कैमरा है इसको पेट कैमरा भी बोलते हैं, बेबी कैमरा भी बोलते हैं, ये पेयर हो गया। ये आवाज भी मेरी बिचार होगी, ये देखिए देखिए, ये हमें पता लग जाता है यहाँ पे अब कि कौन आया है कौन नहीं आया। कमरे का सारा हमें लाइव व्यू मिलता रहेगा। हमने बोला भाई इसको ज़रा छोड़ के चले जाएँ, एक्सक्यूज दिस, ये मैंने ज़रा अपना बैग साफ़ किया, तो ये चीज़ें वीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। तो ये देखिए, ये अब हमने सारा कुछ सेट कर लिया है। ओके यार, वो बैग पैक में ना ये चीज़ें वीज़ें पड़ी थी, तो मैंने ज़रा उसको, ये मैंने नहीं कुछ किया, प्रॉमिस, मेरे पास नहीं था, कसम से बाहर पड़ा। गाइस ये बैकपैक को ठीक करना ना मुझे महंगा पड़ गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, मैंने तो साफ किया था यार। 4 बजे की फ्लाइट है, 2:30 ऑलरेडी बज रहे हैं। बस भाई
टाइम से निकले, हमें हमारा बड़ा बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ऑल्सो गाइस अगर आपने नोटिस नहीं कि भाई ने एप्पल वॉच नहीं पहनी, भाई ने बोला कि यार इस दफा ना जरा नॉर्मल वॉच पहनते हैं और ये इसमें टाइम खराब है, जिस पहते हैं सेल शेल पता नहीं कभी जिंदगी में पहनी नहीं, आज हमने पहनी और सेल ही नहीं है इसके अंदर। ये हमना का बैग रेडी है, हमारा सूट केस है, ये गाइस अनिया का बड़ा क्यूट अमेज़न सूट केस का जो तो है मुझे अभी तक समझ नहीं आया, ये इसके अंदर ना वो है कॉफी होल्डर, ये देखिए यहाँ पे कॉफी होल्डर। मैंने बोला जब मैं ट्रैवल करूँगा तो मैं ट्रैवल स्टाइल करूँगी, मतलब कई कॉफी शॉप से लेके यहाँ पे कॉफी डालूंगी, फिर यहाँ पे क्या था वो किधर गया यार, फोन शोन रखने के लिए भी कि हाँ ये देखिए यहाँ पे फोन रखेंगे, मूवी देखेंगे। क्या यार एक मिनट प्रैक्टिकलिटी बताओ तो इसका साइज देखें, ये बिल्कुल चुन्नू सा है, आपको शायद वीडियो में बड़ा लग रहा होगा, बिल्कुल ही कोई फजूल किस्म का लिए है। और यहाँ से देखिए तारे भी निकलती हैं और ये मतलब कोई है क्या, हाँ हाँ आ जाएगा। गाइस ये देखिए कौन है हमारे साथ, आज कौन जा रहा है। अम्मा सैटरडे के हमारे साथ नहीं जा रही, लेकिन हम अम्मा को भी सरप्राइज दे रहे हैं, पार्टी आ रही है। हाँ, अम्मा को वैसे सरप्राइज दे रहे हैं, अम्मा का अलग सरप्राइज है, इसकी तो पूरी पार्टी होगी। एक्सप्लोरिंग कराची विद हमना, टेकिंग हमना टू XYZ, ईटिंग दैट विद हमना, हैविंग फन विद हमना। चली बस करो आ रहे कि नहीं अम्मा, बाथरूम में एक सेकंड में, एक मिनट में आ रहा हूँ, तब तक सामान रख लो नीचे। हाँ मैं रख रहा हूँ, रख लो बाकी वो रख लो। नहीं मैं सब पूरी पूरी इजाजत है इसको वजन उठाने की। हाँ अब तो जिम शिम भी स्टार्ट हो गया, जो रख सकते हो सारा तुम ही रख लो, मैं सारा ही रख लेता हूँ। ये वाले साइज अच्छा है कपड़ों में। हाँ ये अच्छा है, बहुत बहुत फिट पहनते हो, उतने अच्छे नहीं लगते। हाँ अभी ये बोल रहा था कि इसकी फिटिंग करानी है। नहीं ना मैंने तो नहीं बोला, मैंने इसकी तो नहीं मैंने बोला, वो उसी का ब्लू वाला अच्छा लग रहा है। नहीं वो दूसरा था, वो कास्टन क्रू था, कास्टन क्रू बहुत फिटिंग वाला। अच्छा कॉटन से तो बहुत वो खुला खुला था, फिट ही नहीं आएंगे, सामान भी नहीं आएगा। दुल्हन लगूंगी मैं। तुम तो सुबह 10 बजे से तैयार होके होके बैठी हुई हो। तैयार तो 10 तैयार थी, तो उठी क्यों इतनी जल्दी? कहाँ? चनार पार्क नहीं, अच्छा वो जो चेरी ब्लॉसम के लिए रेस प्लांट प्लांटस हो गया। अब वापस आएंगे, मुझे लगता है चेरी ब्लॉसम खत्म हो जाएंगे, जल्दी हफ्ते दो हफ्ते के लिए आते हैं। अच्छे से हरे भरा कोई मिला पार्क तो वहां खिंचवा लेंगे, बस क्लब में खिंचवा लेंगे। हां वो गॉर्फ में बहुत, हां गॉर्फ में बहुत प्यारी तस्वीरें आ जाएंगी। वो बैग्स पीछे फुल हैं, इतना बड़ा बैग जो है ये नबी ऐमान के, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। ये कहां पे रखे हैं? आगे नहीं आ जाएंगे पीछे, दो छोटे एक आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। देखो रख के देखो, ये तो आ गए। ओ वाओ चलें आगे, मुझे वाकई नहीं समझ आ रही, ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज साइज का है। पीछे तो आ जाएगा, पीछे रख दो, बैग तो ये आ गया। तुम लोग आ गए फिर? नहीं आधे बाहर हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स लीव फॉर द एयरपोर्ट। पीछे बैग ने इतनी जगह घेरी हुई कि मैं भी ना यूं करके बैठा हूँ। आगे एयरपोर्ट अमेज़न सूटकेस चलाने के लिए दे दिए इनको। ओके फिर जो है वो ले रहा था, मैंने कहा इतने शौक से अमेज़न सूटकेस लिया था, जब लिया था तो चलाओ प्रिंसेस। हाँ तो हर जगह पे रखना पड़ेगा, उठा के मुझे ही दिया वापस, मैं ही इसको चलाऊँगा। एयरपोर्ट तो ऐसे खाली है जैसे कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा। गाइस ये देखिए हम क्यूट क्यूट ऐसे तस्वीरें ले रहे हैं, ये वाली हमारी 4 ही, हमें पता नहीं किस्मत अच्छी है। हाँ 4 मिली बिल्कुल स्टार्ट में। नाइस, सामान एंड में आएगा। क्यों पता नहीं, एंड टाइम पे फीलिंग आ रही है, मांगेंगे ना गुड चीज। हाँ मेरे वाला तो बैग मैंने चलाया और ये अनिया मुझे दिखा रही है। ये देख, ओह हो हो, कितनी मूवी देख लोगे यहाँ पे। आप लोगों को बड़े मजे की बात बताता हूँ, अनिया के ना बैग में एक कॉफी होल्डर है, तो अनिया कॉफी प्लांट जा रही है कॉफी लेने। जस्ट के कहाँ पे रखो, दिखा दो पानी की बोतल ले। हाँ सही बात है, चेंज कर लिया अपना, सही बात है। हाँ बात अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, कॉफी ली हो। मैं अभी बाथरूम गया था, अभी बाथरूम से आया हूँ। देखो ओह ओ हो, चलो शुक्र है, ये भी अच्छा है। गाइस इन्होंने कॉफी नहीं ली, रेड बुल ले ली। प्रॉब्ली बहुत टाइम लगाएंगे भाई, प्रॉब्ली जस्ट टू सी के कैसा लगता है अंदर। आई वाज श्योर आई वुड बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ माय ओन कॉफी इज सो नाइस।
इस्लामाबाद पहुंच, सॉरी कराची पहुंच गए। ट्रैवलिंग सो लाइट। ओहो, तीन लोग हैं, तीन सूटकेस। हां हां गाइस, हमारी हमारी फौज हमें लेने आई है। यहाँ पे सिर्फ दो आए हैं, दूसरी अब नबीहा। एक नबीहा है कहाँ? कहाँ से? अच्छा इधर से चले गाइस। यहाँ पे नहीं नहीं रेस थोड़ी सी लगाऊंगा और मैचअप थोड़ी करेगा। मैडम आ जाए, आप उधर आए, मूव। ओ नबीहा, हैंड ब्रेक खींचो। गाइस कराची बड़ा प्लेजेंट लग रहा था मुझे, और वैसे है भी, लेकिन ह्यूमिड है यार, आते साथ ही पसीना आ रहा है। तो नहीं, इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद में आपको नहीं गर्मी नहीं आई अभी। इस्लामाबाद में अभी सिर्फ पंखा चलने स्टार्ट हुए, आप लोगों ने एसी भी चला ली है। तो यहाँ यहाँ से क्या मुंह पे लगा दिया ये। अच्छा ये यहाँ से भी निकल सकते हैं या सिर्फ यहाँ से? वहाँ से निकल सकते हो तो होती। ओह हाँ, छोटे छोटे बेबीज। नहीं बेला है, बेला कौन? नहीं ये तो बेला भी नहीं है, ये बेला है। ये बेला नहीं, 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 नहीं। ये खोलो खोलो जाए जाए। अच्छा ये है बेबीज। हेलो हेलो, मैं मुझे पहचान मेरे से पहचान ही नहीं जा रही थी। पापी पापी यार, बेला तो बिल्कुल नहीं बजाने आ रही थी। हेलो, साज हूँ मैं। तीन दफा देते, एक दो तीन। आप सुन रहे थे? कौन सा नंबर है? देखते पूरी की है इस तरह, और इतनी प्यारी मेरी नमाज की जगह बन गई है, कोजी। गाइस हमारे नए जो वाटर स्प्रे का पैच है वो हम पहली दफा दे रहे हैं। शेक्स धड़कन चाहिए मुझे। आई गॉट समथिंग फॉर यू। खोले जरा इसको, चलें गाइस पहला रिव्यू। ओह माय गुडनेस, कैसा? सो रिफ्रेशिंग। रियली? या ये तो बंदे को पर्स में रखना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर में, जितनी गर्मी है। इसीलिए तो निकाला, और समर में ये बाकी सबका बैच 1850 शगुफ्ता 10 कोड के साथ। फिर आपको हाँ, फिर आपको डिस्काउंट, फिर आपको आई थिंक 1600 1500 का मिलेगा, ऑफ भी मिल जाएगा। हाँ वाह, मेरे हाँ हाँ सारे आपके, एक मेरे पर्स में जाएगा, एक ड्रेसिंग, एक नबीहा, एक ईमान, बाकी रहेगी इस तरह। हाँ चले दो आपके। अगर याया को पसंद आ गया तो फिर तो किसी को नहीं देंगे। सारी दुनिया के नखरे दिखाने के बाद गाइस ये फाइनली हमारे हाथ लग गया पॉपी। अब तो फुल ऑन, ये बस इसको सॉफ्टी चाहिए और इसको प्यार करवाने। गाइस इतना बुरा फील हो रहा है, थोड़ी देर के लिए ना मैंने नैप ले ली थी, एंड तकरीबन कोई घंटे डेढ़ बाद में उठाऊँ तो असल में यहाँ पे है दावत, और जो भी मेहमान है वो सारे आए हुए हैं। अजीब सा लग रहा है यार, बुरा लग रहा है। तो अनिया की कॉल है, कहती यार कहाँ आ जाओ। मैंने कहा आया तो ज़रा दावत पे चलते हैं, मतलब घर पे ही है। यार मैं इतना बुरा फील कर रहा था कि पता नहीं कितनी देर से सारे बैठे हैं। ये देखें ये देखें, ये दावत हो रही है गाइस, ये दावत हो रही है। आपको भी एक्टिंग अच्छी लगी थी, पिज़्ज़ा था। अस्सलाम वालेकुम स्ट्रॉन्ग। कब आने सबने? पाकिस्तान में दावत है तो गैस। ये देखिए 9 बजे का टाइम था, 10 बज गए। गाइस ये है नब्बे टिड्डी की ईदियाँ, जो कि मैं पहले से बना के लाया था,
ये है नेबी, ये है टिड्डी। अन्या के पास मैंने रखवाई थी ताकि मैं भूल ना जाऊँ, तो चलो जरा दे दें। चलो चलो देख के आते हैं। नहीं नहीं अन्या को तो दे दी थी। ये क्या है? नहीं ना फिर सारी आइडिया एक साथ देंगे ना। अच्छा ओ हाँ, मैंने भी तो पर्स में डाल लिया, मैं लिफाफे पर्स में डाल। नहीं तो हाँ वैसे सही कह रही, जरा वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना, कलेक्टिव वैल्यू। पार्टी होगी, बीसी पार्टी। हाँ बीसी मम्मा बहुत ही बीसी जब से सुई में अपनी है। बोला अभी 5-5 और दे दीजिए। नबी टोटल काउंट किया करो, टोटल होने के बाद मुझे 10 दे देते, अब डबल देंगी क्योंकि जोड़ा भी नहीं दिलाया उन्होंने। जी गाइस, वो ना मम्मा की कमेटी को बीसी बीसी बोलते हैं, तो ये वापस में डाल रहा हूँ। अभी वापस हम सेरेमनी करेंगे कलेक्टिव विधि देने की, विधि बाद में दे देती हूं ना सबके सामने। नहीं ना बाहर बहुत दोगे फिर हमें शर्म आती है। फिर हम व्लॉग बनाओ। हां एक्सक्लूसिव होना चाहिए मम्मा, फैमिली एक्सक्लूसिव। हां यहीं पे कर लेते हैं सेरेमनी। ये वो जो मेरी आंटियों वाली ईदी है, वो तो जो मुझे मिली थी वो मैंने आपके पास रखवाई थी। गाइस उन्होंने मुझे शर्म आ रही थी, वो भी मैं अपनी जेब में डाल रहा हूँ। देखिए ये छोटी सी मामा, ये ले जाना डैडी के पास, कहना डैडी हमें ईदी दे दे, ये ले। क्यों उन्होंने अपने अलग बनाए दो मेरी ईदी। गाइस ये नबिया वैसे मुझे ईदी नहीं दे रही, मैंने रखवाई थी नबिया के पास। ओके 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 ओके, ये अली अली हमसे आंटी वाली थी। मैं अंदर आया तो मैंने वो शर्म आ रही थी मुझे, कुछ बहुत हो रही है। आप ही तो दीदी ना रख लेते, शर्म आ रही थी रखते। क्या बात है, जैसे उनको पता नहीं है कि आपने स्पेंड कर लिया। बीसी पार्टी, बीसी पार्टी चलें। ओके, ओके मैं अपने वाले भी शुरू कर दूं। हाँ चलें ठीक है, ओके एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, जीती रही। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है? बस हमजा तुम्हारे पे। अनिया जान हमजा बस हमना प्यारी हमजा लिखे सिर्फ इस पे। भाई लड़कियों के लिए है ना अलकाब। अच्छा नेक्स्ट वीडियो देख लेना। अच्छा ये अभी डैडी के पास लेके जा रहे हैं ना, ये लो डैडी के पास लेके जाओ, बोलो डैडी हमें दे ही दी। मेहमान की थी। हाँ हमें भी दे। हो गई? नहीं नहीं हुई, दोबारा दे। दे चुकी है। अरे शो के लिए दे दे। शो के लिए दे दे, वो बोली वापस नहीं करूंगी। मम्मा दे, मम्मा बहुत स्मार्ट है, वो देंगी भी ऐसी। अच्छा भाई क्या याद करोगी बाकी अपनी दे दूं? ओके चलो ओके। निब्बी निब्बी टिड्डी नहीं है शादी शुदा होने के एंड गाइस ये फाइनली हमारी ईदी, गेस करें किससे मिली? अंकल की फाइनली ईदी थी, ये हमें फाइनली मिल गई है। सारों को एक्चुअली मिल गई है। गाइस दावत शावत की चिलिंग्स के बाद जरा इतनी ज्यादा कैलोरीज खा ले, तो कैलोरीज बर्न करना बड़ा जरूरी था, तो हम ये डॉगी वॉक पे आ गए। ये है बहुत ही बेबी, ये सबसे छोटी है, ये लूना है मेरे पास, वो शिजू, वो बेला, और ये हमना के पास है पॉपी। हाँ वैसे वाकई यार पूसी कैट में बिल्कुल भी टेम्परमेंट नहीं है कि किसी को बर्दाश्त करे। ये मेरे पास जो है ना ये सबसे छोटी है। गैस ये देखें ये पॉपी कितना भूखा है, क्या कि ये वो मोटा भी ये टेबल के नीचे बैठा हुआ है। तुलसी के नाम ये लो खा क्या रहा ये लो। वाह ये आ गई,
इसको तो जो खिला दो ये खा लेगी। ये भी आ गया अब। हाँ जी क्या चाहिए यार? मुझे नहीं इसको प्यार करना, ये मुझे काटता है, काटता है यार, बहुत बुरा काटता है, बहुत बुरा काटता है। गाइस अगर आप कभी अनिया से मिले ना पॉपी के साथ और अनिया बोले कि पॉपी नहीं काटता, तो आप फिर खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हैं। हाँ वो नहीं काटती, उसको कुछ भी कर ले वो नहीं काटेगी, काटता है बहुत बुरा। आज का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा टायरिंग था, बहुत एग्जॉस्टिंग था, बहुत ज़्यादा हैपनिंग डे था। तो आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।